एक राज्य से दूसरे राज्य में माल ढुलाई के लिए ई वे बिल को 1 अप्रैल से लागू किया जाएगा, लेकिन राज्य के भीतर माल ढुलाई के लिए इसे 15 अप्रैल से शुरू किया जाएगा। ई वे बिल कर चोरी रोकने के उद्देश्य से उठाया गया एक बड़ा कदम है। इससे नगद पर होने वाले व्यापार पर लगाम लगेगी और कर का संग्रह बढ़ेगा। ई वे बिल की 1 अप्रैल से शुरुआत होने पर ट्रांसपोर्टरों को 50,000 रुपये से अधिक का माल ले जाने के लिए ई वे बिल लेना होगा। GST निरीक्षक के मांगने पर ई वे बिल दिखाना होगा। इसके साथ ही सरकार ने कारोबारियों को फाइनल GSTR 3B रिटर्न और फाइनल GSTR 1 रिटर्न को भरने की सीमा जून तक बढ़ा दी है। वित्त मंत्री अरुण जेटली की अध्यक्षता वाली GST परिषद ने 10 मार्च की बैठक में ई वे बिल तथा 3B रिटर्न दायर करने की तिथि बढ़ाने के बारे में निर्णय लिया था। आमतौर पर किसी भी महीने का GSTR 3B रिटर्न अगले महीने की 20 तारीख तक दायर करना होता है। बता दें कि 1 फरवरी को पहली बार लागू किए जाने के बाद आई रुकावटों के बाद ई वे बिल को 31 मार्च तक रोक दिया गया था।